जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वरी शुक्राना आज के सत्संग वास्ते और अपने चरणों में बुलाने का। जय गुरु जी। जैसे कि आंटी ने बोला है कि स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ गुरु जी, एवरी टाइम आज मैं थर्ड टाइम गुरु जी की इंट्रोडक्शन शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की तरफ से ये छोटी सी सेवा है और गुरु जी ये अपने आप चूज करते हैं और अपने आप ही सेवा करवा लेते हैं। तो गुरु जी इज़ महाशिव। महाशिव कहने में नहीं, एक्चुअली गुरु जी इज़ महाशिव। गुरु जी इज़ ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट, ओमनी पोटेंट। तो गुरु जी का एक छोटा सा, मैं बहुत ही छोटा एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ। एक गुरु जी के जो वन ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड है, और एक ही गुरु जी के चाइल्डहुड फ्रेंड थे, शिव अंकल। बचपन से लेके अभी गुरु जी ने पूरा उनके साथ चाइल्डहुड टाइम, यंग, पूरा कॉलेज टाइम, सब कुछ गुरु जी ने उन्हीं के साथ शेयर किया था। तो शिव अंकल गुरु जी के सबसे ज़्यादा क्लोज थे और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं थे, और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो एक शिव अंकल कहते थे कि रात में हम एक ही बेड पे सोते होते थे गुरु जी, जब थे, जब स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से। तो गुरु जी रात रात तो एक ही बेड शेयर करना, तो हाफ बेड था, एक ही शेयर करते थे। कभी गुरु जी सोते थे, कभी शिव अंकल सोते थे। तो रात को गुरु जी पूरा उठ के अपना ऐसे ही बैठ के समाधि करते रहते थे। तो शिव अंकल हमेशा सोचते थे कि रात को उठ के अंकल गुरु जी क्या करते हैं। एक काफ़ी बार उन्होंने सोचा मन में कि ये, एक बार तो अंदर से उनके पूछने की इच्छा हुई। तो एक बार अंकल ने बोला कि मैंने पूछ लिया कि गुरु जी आप ये रात को उठ के बैठ के ये क्या करते हो। तो उन्होंने बोला कि शिव तू नहीं समझेगा, तो उन्होंने वहां पर वो टाल दिया। फिर अगेन उन्होंने बोला कि चलो आज मैं दिखाता हूँ क्या है। तो वहां पर दिया जल रहा था। पहले टाइम में होता था कि दिया ही जगता था, तो 1983 की बातें हैं, तो तब लाइट भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो अंकल कह रहे हैं दिया जल रहा था, तो वो दिया भी उस टाइम बुझ गया था। तो कोई भी कुछ भी रोशनी नहीं था, पूरा अंधेरा था हमारे रूम में। तो गुरुजी सामने बैठे थे, तो अंकल भी थे। तो गुरुजी ने बोला कि आज शिव तेनु मैं दिखाना कौन है मैं। तो जैसे ही अंकल कह रहे हैं कि अंधेरा था, तो एकदम फिर दिया जगाया। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपना अपने समाधि में बैठे थे, तो उन्होंने अपने पूरे साक्षात भोलेनाथ, मेरे अभी वो शौक हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भोलेनाथ के, मैं वो वाला इंसिडेंट कभी भूल नहीं पाऊंगा कि जो उन्होंने भोले बाबा के मुझे दर्शन कराए, कहाँ पर मैं, कहाँ पर लेके गए वो। तो गुरुजी कहते हैं, तो उसके बाद शिव अंकल कह रहे हैं कि मैंने उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया, कभी भी उनको ये नहीं किया। और अंकल ने बोला कि ये मेरी महिमा यहीं तक रखनी है, किसी को जाके आगे स्प्रेड नहीं करना, विख्यान नहीं करना, ये यहाँ तक ही है। तो उसके बाद तो अंकल कह रहे हैं कि उनको कभी हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया, और ऐसी ऐसी उन्होंने लीलाएं दिखाई, ऐसा ऐसा उन्होंने शिव जी के रूप दिखाए। तो गुरु जी के और दरबार पे आने पे पहले बहुत ही सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे गुरु जी कहते थे कि डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो गुरु जी के ड्यूरिंग द सत्संग, स्विच ऑफ योर फोन एंड पिन, मेंटेन द पिन ड्रॉप डिसिप्लिन। तो और गुरु जी के बड़े मंदिर में तो बहुत ज़्यादा सेवादार, बिल्कुल साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, बिल्कुल भी बोलना भी अलाउड नहीं होता है। और जल प्रसाद, और जल प्रसाद की गुरु जी की महिमा इतनी ज़्यादा है। एक बार गुरु जी बताते हैं कि वहाँ पे जब गुरु जी मलेरकोटला आ गए थे शिव अंकल के साथ, तो वहाँ पे एक माली था, वहाँ पे माली का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। तो माली ऐसी बाहर खड़ा था, तो ऐसी गुरु जी ने पूछा क्या हो गया, की हो गया, एमए क्यों बैठे हैं। तो कहता है मेरा मुंडा बीमार है। तो गुरु जी कहते फिर क्यों होया। तो वो कह रहे हैं कि गुरुजी ने अंदर गए, जल प्रसाद की जैसे बॉटल्स को पकड़ा दी, तो जल ये अपने मुंडे नू पिला दी। तो माली अपने बेटे के पास लेके चला गया कि उनको था कि कोई संत महात्मा ने दिया है, उसको क्या पता था, साक्षात तो महाशिव है, उनसे वे प्रसाद मिल गया उसको। तो वो जाता है, 10 दिन से उसके बेटे ने कुछ नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा बुखार सब कुछ था। तो जैसे ही उसने गुरुजी का वो जल प्रसाद, मिरेकल जल प्रसाद पिलाया, तो जो 10 दिन से बच्चा खा नहीं रहा था, वो सब कुछ बुखार तो बहुत दूर, बहुत उसी टाइम हील हो गया और खाने पीने लग गया वो बच्चा। तो उसके बाद माली की ऐसी, माली ऐसे ज़्यादा गुरुजी के चरणों में आके गिर गया कि मेरा बच्चा तो 10 दिन से कुछ खा ही नहीं रहा था, और इस जल प्रसाद के बाद ही बच्चे का फीवर नहीं है, खाना पीना सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो
गुरुजी ने कहा है कि जय प्रसाद में मेरी इतनी ज्यादा हीलिंग, इतनी ज्यादा हीलिंग वो है कि जो भी इसको मेरे पिएगा उसकी बीमारियां सब कुछ दूर होंगे। तो उसके बाद तो शिव अंकल बताते थे कि वहां पर मेला लग जाता था कि जो बॉटल्स लेके आते थे और अपने गुरुजी के मंत्रा के सब कुछ लेके जाते थे बॉटल्स जल प्रसाद को। तो गुरुजी ने इतने लोगों को जल प्रसाद और चाय प्रसाद से हील किया, इतनी बीमारियां लोगों की बड़ी बड़ी हील की हैं। और गुरुजी कहते थे पूरा श्रद्धा भाव रखो, जब तक आप में श्रद्धा और प्यार और ट्रस्ट कम्प्लीटली और नहीं होगा तब तक मेरे मुझे आप पाओगे ही नहीं। कुछ गुरुजी के इतना सिंपल फॉर्मेट है कि आप गुरबानी सुनिए और अपना बस मंत्र जाप कीजिए और किसी की चुगली निंदा नहीं करें, ABC एब्यू कभी भी। गुरुजी कह रहे दरबार पे आके ये चीज़ें नहीं करनी है, अगर ये चीज़ें करोगे तो वहीं पर ब्लेसिंग्स आप छोड़ के जा रहे हो। दरबार भी आना है, खुश रहो, लंगर खाओ और गुरबानी सुनो, बस गुरुजी को आप बिल्कुल पा सकते हो। नहीं तो गुरुजी कहते हैं कि लोग तो यहाँ पर आके मेरे से मांगते हैं, मेटेरियलिस्टिक होते हैं, गुरुजी ये दे दो वो दे दो, जब भी मेरे पास आओ कभी भी मांगना नहीं है। गुरुजी बहुत ही छोटी सी छोटी माइक्रोसेकंड सब कुछ देख रहे हैं, गुरुजी को सब कुछ पता है, कुछ भी उनको बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी सिर्फ भाव देखते हैं कि आपका कितना ज्यादा आप गुरुजी के लिए प्यार है, कितना ज्यादा गुरुजी वही बोलते हैं सरेंडर कंप्लीटली और लव अनकंडीशनली। जितना ज्यादा मेरे से प्यार करोगे उतना मैं आपके पास आ जाऊंगा। और गुरुजी ने यह भी कहा है कि हर एक वेला ही अमृत वेला है, आपको ये नहीं है कि सुबह उठना है। सब काफी लोगों को गिल्ट होता है कि सुबह उठना नहीं जाता, कि हमारे से अमृत वेला नहीं होता। तो गुरुजी बोलते थे जब आप उठ गए, जब आप चाहे अपने बेड पे ही हो, कुछ नहाने की जरूरत नहीं, बस आपको मंत्र जाप करना है मन ही मन, और गुरुजी को सच्चे दिल से दो बार चाहे मंत्र जाप करके बुला लो तो गुरुजी आपके सामने प्रेजेंस अपनी फील करवा देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गुरुजी का बोला गया ये वर्ड था कि किसी भी कोई भी ये ब्रह्मांड में नहीं फंसना, कुछ भी सिंपल है कि अपना गुरबानी सुनो और सत्संग जाओ और मंत्र जाप करो। जय गुरु जी। गुरु जी आपको हम तो जैसे बोलते हैं कि अगम अगोचरा तेरा अंत नहीं पाया, सही में गुरु जी का कोई भी अंत नहीं पा सकता है, वो ही महाशिव भोले बाबा हैं। गुरु जी सारी संगत को अपने इसी तरह ब्लेसिंग्स देना, सबको अपने चरणों में लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो दिस सत्संग इज़ माई फेवरेट एंड आई लव एवरी पार्ट ऑफ इट बिकॉज दिस इज़ वेयर आई एक्सपीरियंस्ड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी क्वाइट व्हेन डूइंग सेवा। सो इनिशियली आई नेवर यूज़ टू अंडरस्टैंड, मुझे लगता था कि आंटी क्यों बोल रही है चुप रहो, थोड़ी सी बात कर ली तो क्या हो गया। बट देन ऑफकोर्स गुरु जी हैज़ ओन वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अस। एंड we were doing this darbar seva 2-3 days back and there were two more aunties with me, and how beautiful is the fact that none of us were talking to each other. And initially I didn't realize, but after some time I experienced and felt that I was really quiet and at peace in my head. And the reason why I was at peace was because all of us were doing seva and were not talking at all. And that is when I realized and understood how important it is to just be quiet sometimes and not talk, especially when in seva. So shukrana Guruji, all our lives I don't think I ever thought about being quiet and never thought about and never experienced how beautiful it is to be quiet and then feel at peace. So it is only Guruji who teaches us the most beautiful things, and this is a lesson that I've learned for life. To be quiet, especially when doing seva or in the darbar. And also one very important thing that I have seen and understood is that one auntie shared with me that when ikyumkar starts till the end of satsang sharing, do not say anything, do not talk at all, do not greet anyone. And this silence has so much power because this is the time when we connect to Guruji. 24 hours we have to connect with people, just 2 more hours to connect with Guruji, and not even greet or smile or have an eye contact with someone is the most amazing thing that I've learned. Of course, we are learning. It's a practice. But I have understood that this is what Guruji wants. And if at all we are able to do it, nothing better. So, shukrana Guruji. 2 lines for Guruji. लग जा गले
कि फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग, फॉर ब्यूटिफुली मेकिंग अस एक्सपीरियंस योर प्रेजेंस एट ऑल टाइम्स। सो आई हैव टू वेरी स्मॉल सत्संग्स टू शेयर टुडे। सो अराउंड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, दिस इज़ हाउ माय मदर फर्स्ट फेल्ट गुरु जीज immense blessings. So we were in Delhi. One of my cousins was getting married. At that point in time, मैं नई गुरुजी के साथ consciously जुड़ी थी and मेरे को जुड़े हुए ज़्यादा time नहीं हुआ था. And my parents and my mother especially was very concerned, considering how the mahol in our country is when it comes to gurus and everything. So my mother was very concerned ki ye har roz mandir chali jati hai and if she's safe or not and all of those basic motherly concerns that she always had. But my mother by then didn't know that Guruji had left his chola. But eventually I started going, and then in the month of February, my whole family was in Delhi. घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे you know age group mein one of my cousins was getting married and it was the first marriage of the of this generation. So we were all very excited and very pepped up. So shaadi ka function shuru hi hua tha it was I think 15th or 16th of February ki mamma ko 16th ko subah call 16th ko early morning call aa jata hai. So my mamu at that point in time was suffering from cancer and my mother got a call saying that things are very critical and it's not it you can hear the news at any point in time. So of course mamma ke real brother, so mamma had to rush back to Chandigarh. So and since we had a lot of responsibilities for the shadi, so we stayed back in Delhi. So my mother rushed back to Chandigarh, and that day happened so ki subha mamma ko 6:30 aisi news milti hai and 7:40 pe there is a train that goes from Chandigarh to Delhi, and that's the fastest way to commute between Chandigarh to Delhi if you have to. When mama heard the news, she obviously started packing and everything hafra tafri mein. She's trying to book an Uber, unko Uber nahi mil rahi hai. 4-5 baar unki Uber aake cancel ho jati hai. And my mother is very tense because she does not have the tickets for the train because 1 ghanta pehle online booking band ho jati hai. And she doesn't know how will she reach in time because things are getting critical and she wanted to see my mamu for the last time. So since things were getting very critical, so my mother was very tense and my mother couldn't stop crying. So at that point in time,
मम्मा 3-4 कैब्स बुक करते हैं एंड कोई कैब नहीं आती है. फाइनली जाके 7:10 पे एक कैब बुक होती है एंड वो कैब फाइनली आ जाती है. नाउ फ्रॉम माय प्लेस टू द रेलवे स्टेशन इन दिल्ली इज अंडर एनी सर्कमस्टांसिस एट एनी पॉइंट इन टाइम इट इज़ अ स्ट्रेच ऑफ 30 मिनट्स. एंड अगर ट्रैफिक है ट्रैफिक नहीं है 30 मिनट से कम वो स्ट्रेच हो ही नहीं सकता बिकॉज दैट्स द मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम टेकन फॉर दैट डिस्टेंस. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मम्मा इज ऑब्वियसली टेंस बिकॉज 7:10 पे कैब आई है और 7:30 तक मम्मा पहुंचेंगे. 30 मिनट्स से 7:40 एंड ट्रेन इम्पॉसिबल है पकड़ना. बट जब गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है तो इम्पॉसिबल को भी गुरुजी पॉसिबल कर देते हैं. मम्मा वॉज वेरी टेंस्ड एंड मम्मा के आंसू रुक नहीं रहे थे एंड शी वॉज इन द कैब एंड उस टाइम पे मम्मा कनेक्ट नहीं हुए थे कॉन्शियसली. तो मम्मा रो ही जा रहे हैं तो कैब में शब्द चल रहे थे एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मम्मा ने रियलाइज़ नहीं किया कि कैब में गुरुजी का स्वरूप था. तो मम्मा तो मम्मा ने कैब वाले को बोला कि भैया आपसे जितनी जल्दी हो सकता है आप चलो. रेड लाइट्स क्रॉस करनी है करो, जो करना है करो, वट एवर द चालान्स विल बी आई विल टेक केयर ऑफ इट, बस मुझे किसी तरह स्टेशन पहुंचा दो, मेरे पास टिकट भी नहीं है. सो उस टाइम पे और उस मोमेंट में दैट्स व्हाट द कैब पर्सन डिड. एंड गुरुजी की इतनी मेहर, मम्मा एग्जैक्टली 15 मिनट्स में रेलवे स्टेशन पे थी. प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना. मम्मा समहाउ रीच द स्टेशन एग्जैक्टली 7:25 पे मम्मा स्टेशन पे थे. 7:40 की ट्रेन थी. मम्मा समहाउ मैनेज टू गेट द गुरुजी हेल्प मम्मा गेट द टिकट्स एंड मम्मा गॉट ऑन द ट्रेन. और जब मम्मा ट्रेन पे गए ट्रेन पे पहुंचे तो आउट ऑफ नो वेयर कैब वाले का मैसेज आता है. एंड ऊबर पे देर इज़ अ सिस्टम कि आप अपना पर्सनल नंबर नहीं शेयर होता, बट समहाउ कैब ड्राइवर के पास मम्मा का पर्सनल नंबर आ गया था एंड कैब ड्राइवर ने मम्मा को 3-4 मैसेजेस भेजे. एंड इट इज़ सो अमेजिंग हाउ गुरुजी डज इट बिकॉज वो 3-4 मैसेज यही थे कि कोई बात नहीं, मेरा गुरु देख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो तकलीफ है, आप टेंशन मत लो, कुछ भी होगा तो मैं अगर आपको ट्रेन नहीं मिलती है तो मैं आपको चंडीगढ़ तक छोड़ कर आऊँगा. एंड ही इज़ अ नॉर्मल इंटरसिटी यू नो विद इन द सिटी कैब ड्राइवर. वो मेरी मॉम को एग्जैक्टली उस मोमेंट के हिसाब से जो भी मम्मा की प्रॉब्लम्स थी, जो भी मम्मा के क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे थे, वो एग्जैक्ट मम्मा को आंसर देते हैं. एंड वो हर बात में लिख रहे हैं कि गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी आपका ध्यान रख रहे हैं. एंड माई मदर कुड नॉट स्टॉप क्राइंग बिकॉज इन दैट मोमेंट माई मदर फेल्ट गुरुजीज प्रेजेंस. गुरुजी के उस कैब ड्राइवर ने मम्मा को बार बार यही मैसेज भेजा कि गुरुजी को तेरी तकलीफ पता है, तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा. सो इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि गुरुजी इवन इन द माइन्यूटेस्ट ऑफ मोमेंट्स एंड इन द मेजर मोमेंट्स अपनी प्रेजेंस इतनी ब्यूटिफुली फील कराते हैं कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है. सेकेंड, सो मेरे घर पे पहली बार सत्संग हुआ था एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट कि वो सत्संग कैसे पैन आउट हुआ था. हमारा नया घर बन रहा है एंड वी रियली वांटेड कि हम सत्संग उस नए घर में करें. सो हमने बहुत कोशिश करी बट सम बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज हम नहीं कर पाए उस घर में सत्संग. तो हमने अपने इस जो पुराना वाला घर है उसी में सत्संग कर लिया. सो जब उसमें सत्संग कर लिया तो मम्मा और मेरा दिल थोड़ा सा हुआ कि हमें सत्संग नए वाले घर में करना था. बट मम्मा थोड़ा सा ध्यान में बैठे हुए थे ध्यान में और एकदम से मम्मा को गुरुजी दिखाते हैं कि जैसे पापा हमारे नए वाले घर में जाके इंस्पेक्शन करते हैं, हर चीज़ देखते हैं कि क्या कहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या अपडेट है, गुरुजी उसी तरीके से वाइट चोले में हर जगह हर चीज़ इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ. उस मोमेंट में मम्मा और मेरे आंसू नहीं रुके क्योंकि गुरुजी ने ये भी बता दिया कि तुम जहाँ भी हो मैं हर कहीं हूँ, जहाँ तुम्हें नहीं भी लगता कि मैं हूँ मैं उस क्षण में भी हूँ. सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर शोइंग योर प्रेजेंस एट एवरी मोमेंट एंड एवरी स्टेप. आई थिंक इट इज़ वेरी ट्रूली सैड कि
जे तू ना फरदा बा असारुल जाना सी। सो थैंक यू सो मच गुरु जी हमारी बाँ फड़ने के लिए एंड हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये सत्संग कोविड के टाइम का है, तो उस टाइम बड़ा मन मेरा मन करता है कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, बट मुझे पता था कि वो बंद है एज़ पर डेली गाइडलाइंस वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम कोविड था तो वो पूरा बड़ा मंदिर बंद था। बट मैं उस दिन बहुत ही मन कर रहा था कि मेरे को कोई बात नहीं, मैं बाहर से ही दर्शन कर कर आ जाऊँगी। तो इतनी छोटी छोटी सी विश गुरु जी कैसे पूरी करते हैं। तो बस मैंने सुबह फटाफट से उठी और मैंने बोला बाहर से दर्शन कराऊंगी, आई नो पक्का बंद है बट तब भी मैं जाऊंगी। और मैं उस दिन बहुत खुश थी कि बस मुझे जाना है, बड़े दिन हो गए बंद है मंदिर। बट मैं जाती हूँ तो वापस सिर्फ देखती हूँ, तो मैं ऑटो से उतरी तो एक हम वैसे ही बाहर से दर्शन कर रहे थे, तो सिर्फ थ्री और फोर संगत सी थी वहाँ पर, जो वो भी बाहर से ही दर्शन करने के लिए आए थे। बट उतने में वहाँ पर सेवादार बोलते हैं अंदर अंदर दर्शन हो रहे हैं, और मतलब इतनी इतनी सी विश भी गुरु जी कैसे पूरी करते हैं। और जब हम अंदर जाते हैं तो सिर्फ मतलब जो मंदिर में इतनी भीड़ होती है, बट उस दिन सिर्फ थ्री और फोर और फाइव ही आई थिंक संगत थी, और उस टाइम जितना टाइम हो सके उस दिन उतना बड़े मंदिर में वहाँ पर खड़े रहो गुरु जी के उधर, इतना मज़ा आया कि मतलब ऐसा लग, और वो जाने को ही नहीं बोल रहे थे, वरना अदरवाइज होता है कि अब चल अब बहुत ज़्यादा क्योंकि भीड़ होती है तो जाना होता है। बट उस दिन जो था इतने अच्छे दर्शन हुए, और अराउंड हाफ एन आवर से भी ज़्यादा उन्होंने खड़े रखा, और मतलब खड़े हो पाए हम, और बल्कि बार बार वो सेवादार बोले थे और दर्शन करने हैं तो और खड़े हो जाओ, हम आपको नहीं लाएंगे, आप आराम से खड़े रहो और दर्शन करो। तो जय गुरु जी, हर एक चीज़ छोटी छोटी हमारी पूरी करते हैं। और एक सत्संग वो है कि जब हम बड़े मंदिर से मेरे हस्बैंड और मैं आ रहे होते हैं, तो हमारे को ऑटो नहीं मिल रहा होता, तो उतने में एक ऑटो आता है, और बहुत ही क्लीन और इतना प्यारा सा ऑटो होता है वो। तो उसमें कोई ऑटो ड्राइवर होते हैं, वो एकदम से बोलते तो मैं फेस टू जाना है। हम मेरे को थोड़ा एक हमें स्ट्रेंज लगा कि फेस टू, इनको कैसे पता हमें फेस टू जाना है। तो हमने बोला हाँ हमें जाना है, हम बैठ गए। तो रास्ते में जाते जाते बिल्कुल सुनसान से जो रोड आती है वहाँ पर जहाँ राधा स्वामी वाला वो होता है, तो वहाँ पर बोलते हैं अपना सत्संग सुनाओ। फिर हमने अपना सत्संग सुनाया, मतलब इतनी बातें हुई रास्ते में, इतनी बातें हुई। और मैंने ये चीज़ बाद में नोटिस करी कि उनका सर पर नहीं थे बाल, और उन्होंने कैप पहनी हुई थी, और इतना ग्लो था उनके चेहरे पर। और उन्होंने जब बोला ना अपने सत्संग सुनाओ, हमने सुनाया कि हमारी लाइफ में कितने मिरेकल्स गुरुजी ने किए हैं, सब कुछ ठीक कर दिया, तो वो हंस के ना जैसे गुरुजी ऐसे फेस ऊपर करके जोर जोर की हंसते हैं ना, तो वो वैसे ही जोर जोर की ऐसे ऊपर मुँह करके हंसे और कहते अभी तो देखते जाओ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो देखते जाओ उन्होंने क्या क्या करना है। तो मतलब हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि मतलब बाद में जब हम घर गए तो, और मेरे मतलब हस्बैंड जो मेरे अंकल जी हैं जो, वो बिल्कुल चुप थे कि बट उन्होंने घर जाके, और फिर जब हम उतरे तो उन्होंने बोला कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, हमने भी यही बोला। बट हम घर जाते हैं तो तब हमें रियलाइज़ होता है, क्योंकि उस टाइम तो हमारी आंखें पता नहीं बंद होती हैं क्या होता है। बट बहुत अच्छा लगा, उनसे सारी बातें करी और फिर उसके बाद वो चले गए। बट हम घर जाके मतलब पूरा स्ट्रांग था कि वो गुरुजी ही थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड कुछ लाइंस मैं गुरुजी के लिए बोलती हूँ। शुभ घड़ी आई दे सबनु बधाई, कल कल मुस्काई सहियो, हारा वाले आए ने सतगुरु प्यारे आए ने, हारा वाले आए ने सतगुरु प्यारे आए ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। द फर्स्ट टाइम दैट आई केम टू गुरुजी, आई डिड नॉट नो दैट ही इज़
आई मीन गुरु जी इज सो पावरफुल. आई केम विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड देन वंस आई वॉज इन डेली एंड शी टोल्ड मी दैट इफ यू आर इन डेली गो टू बड़े मंदिर. आई थॉट ओके इफ आई गेट टाइम आई गो टू बड़े मंदिर. वेन आई वॉज गोइंग द ऑटो ड्राइवर वॉज टेलिंग मी दैट दिस प्लेस इज एज पावरफुल एज 12 ज्योतिर्लिंग एंड आई वॉज लाइक दिस यू नो दिस ऑटो रिक्शा इज जस्ट एग्जैजरेटिंग. गुरु जी माइट बी पावरफुल बट 12 ज्योतिर्लिंग इज too much, you know, like he's betting on too much. And I was jobless at that moment and I came back home. I had got my hands on Light of Divinity and that book was very engrossing given that, you know, people had different kind of problems and all of them were getting solved. And I just felt that Guruji is so powerful and so loving actually. Though that time I did not ask for anything, I was waiting for one of my results which I failed, but Guruji helped me get a job within a week after that. And after that I used to just think of small things which started, you know, taking place, like Corona. I got my job just before Corona hit the market, and so basically it was easy for me. Then I wanted a better project that I got. Then I wanted my landlord to decrease my rent during Corona time, which he readily agreed to, and my landlord is not very easy to handle. Then I wanted to go home for a long period of time. That also happened. I mean, I was there for almost a year, which is impossible because most of my colleagues in the same office had come back right in November or December, and I could stay for an entire year. I then went on to get another like job, like a better paying job. Then my father met he had a fracture in his hand, and I was very upset. I was just thinking that Guruji, I mean, dad has fractured his hand, and now the doctor is saying it might take 2 to 3 months to recover. However, my dad recovered within 2 to 3 weeks, and my mom, she started believing in Guruji much more than I did. So every time I felt like I should give up on Guruji, now he is powerful but I should give up, I had so many people around me who were so much in love with Guruji that basically I was never able to let go of Guruji, and for that I'm very, very grateful. Thank you Guruji, Shukrana Guruji, Jai Guruji, good night, sweet dreams, stay connected to Guruji, to be blessed by Guruji always. Stay connected to Guruji always, to be blessed by Guruji always. Good night, sweet dreams. Jai Guruji.